वालेकुम फ्रेंड, अम्मी सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आज अचानक से आज अम्मी का प्रोग्राम बन गया। मैं तो घर पे काम ही कर रही थी, लेट भी उठी थी सो के, तो घर का काम ही कर रही थी। अम्मी कहने लगी आज अम्मी को कुछ अपने लेस वगैरह कुछ लेने जाना है मार्केट में, तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ, मैं चिकन लेके आ जाऊँगी शाम के खाने के लिए, तो दोनों का ही काम हो जाएगा। तो बस अम्मी और मैं यही सामान लेने के लिए फ़िलहाल जा रहे हैं। धूप हो रही है, सुबह तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, दोपहर में थोड़ी धूप हो जाती है। में बैठ गए और रिक्शे वाले भैया इतनी तेज रिक्शा चला रहे हैं, अम्मी कह रही है धीरे चला, हमारा पेट खाली वैसे ही है। उड़ाए जा रहे हो ना। बाजार तो जाना था अम्मी एक आध दिन में, पर मैंने सोची होली करके जाऊंगी। ऐसा बोलते ना होली में ना घर से बाहर नहीं निकलते, टोटके वोटके बहुत होते हैं। है बोलते नहीं ऐसा, मेरे होटल लगता है नहीं होता, मतलब पहले ऐसे ही बोलते थे कि होली में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, मैं तो ये सोच के नहीं निकल रही हूँ कि होली के बाद ही जाऊँगी बाजार। ये बात तो सही कह रही हूँ, चल होली के बाद ही देखूंगी, दो तीन दिन और निकल जाए। कारियाँ आ गई, कलर आ गए, होली की शुरुआत हो गई है। हाँ, 25 तारीख की शुरू होने से पहले कूलर भी आ गए, बस खर्चे ही खर्चे दिख रहे हैं चारों तरफ। खुलेंगे फिर किताब कॉपी का खर्चा। हाँ, ये तो ऐसा फैंसी सा है। अरे और ये लटक रही है, तुम्हारे लिए मैं दूसरा ढूंढा था। ये देखो कलर का ये सम का। अरे निकालो तो सही। हाँ, अलग अच्छे रहा है। ये कलर वाइट चाहिए। हाँ, भैया उस दिन था ना वो एकदम चौड़े से में था, एकदम नेट के ऊपर बारीक सितारों वाला, वो चाहिए। ये तो नहीं लगा अच्छा, मैं अपने ले आऊंगी। ये भी अच्छा लग रहा है। और ये नीचे वाले वाइट वाला, कोई ड्रेस नहीं है ना, हम लगवा लेते फर्स्ट वाला। ये है कितने का भाई, प्राइस क्या है इसका? अच्छा, दो मीटर ये रहा, कोई बिक नहीं गया वो सिल्वर, इसमें का था सिल्वर ये रहा। ये सेम मिल रहा है तुम्हारे दुपट्टा का जो काम हो रहा है, ये दिख के गई थी मैं। जैसा नहीं है उसका, रेशम का उतार ही थी, रेशम का नहीं, ये पूरा चिपक जाएगा तो ऐसा लगा उसी पे कढ़ाई हो रही है। वो तो है, नग है ना इसमें, नग नहीं है ये सितारे हैं। और झड़ गए तो बुरा है, रेशम में नहीं है। अरे झड़ेगा नहीं, ये सिलाई नहीं है, नहीं रेशम में आम है गले। रेशम में कैसे, ये रेशम की बेल नहीं होता सफेद वाइट कलर जिसमें, लेकिन अम्मी ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये नहीं निकलेगा, नहीं वो सूती चाहिए मुझे कॉट में, इसमें गले समझ में नहीं आ रहे हैं। अब वो लेस देख रही है दुपट्टे, मतलब हर किसी की अपनी पसंद होती है। मतलब गले में भी लगा सकते हो तो अपने हिसाब से, देखो उम्मीदों को। हाँ, ऐसे चौड़ी करके लग जाएगी। अम्मी को लेस पसंद आ गई है। हाँ, अब मैं होली पे ना, असल में क्या होता है ना, कुछ भी शॉपिंग ये लोग करते ही नहीं है, जो भी नया कपड़ा खरीदेंगे सामान खरीदेंगे सब लोग होली के बाद ही खरीदेंगे। नहीं, ईद में तो टाइम है, होली 25 तारीख की होली, उसके बाद ना नया माल आएगा, सब लोग यही बोल रहे हैं। अम्मी 11 अप्रैल की, उसमें भी टाइम है। और होली के बाद ना सालक निकलता है शादियों का, तो इसलिए हाँ साहबा कौन सा काला वाले में देख लेना। चलो अम्मी को लेस तो मिल गई। अब मेरे को चिकन लेना, साथ के लिए ना जूस पैक करवाना कह रहा था, मम्मा जूस पैक करवा देना मेरे लिए, तो पैक करवा लेते हैं। ले लेना क्या। हैप्पी होली भैया। एक अच्छा सा ना 30 रुपये वाला ना मिक्स फ्रूट जूस बना देना मेरे बेटे के लिए, और थोड़ी किशमिश ज़्यादा डाल देना, उसको ज़्यादा पसंद है। ठीक है, पैक कर देना। यहाँ का ना मिक्स जूस, मिक्स फ्रूट जूस होता है ना, बहुत पसंद है, तो वो आया नहीं है, तो बोला मम्मा पैक करवा के ले आना। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, देखो जरा भी धूप के अंदर खड़ा नहीं हो जा रहा, और हालत ख़राब हो गई है। तो अम्मी बोली तू जाकर साइड में खड़ी हो जा, मैं चिकन लेके आ रही हूँ। बाप रे, अब ना टाइम नहीं है कि दोपहर में निकलो, आप जो भी खरीदना है शाम में खरीदो, वही ज़्यादा सही है, दोपहर में हालत ख़राब हो जाती है। अम्मी कितनी देर लगेगी, लेकिन अभी ना अम्मी दोपहर में आने का वो नहीं है, धर्म नहीं है भाई। दोपहर में बहुत गर्मी लग रही है अभी से, ये घर के अंदर ही अच्छा लगता है, शाम में निकलो जो भी लेना।
हाँ वो तुम्हारे वजह से मैं भी आई, मैं शाम में चिकन लेके आती। आज तो ना सच्ची बता रही हूँ फ्रेंड, मेरी हालत खराब हो गई। आज का चुंगी जाना मुझे इतना ज्यादा भारी पड़ गया ना। बस घर पे आती सबसे पहले मैं नहाई, क्योंकि इतना ज्यादा गर्मी लग रही थी, इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी ना मुझे। बहुत अच्छा था, काम करके गई थी। और ये चिकन लेके आई हूँ मैं। चिकन को ना मैं बाहर बैठ कर धो लूँगी, क्योंकि चिकन थोड़ा ज़्यादा है और खड़े होने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये रहा नल, इस नल के नीचे धो लूँगी, क्योंकि दोनों अंदर भी जो नल है, जो बाहर नल है, दोनों की टंकी सेम है, साफ पानी है मतलब। तो बाहर पटरा ले आती हूँ, पटरी पर बैठ के आराम से धो लूँगी। अभी बच गया 4। बाहर आते ही कौवा आके बैठ गया, जैसे कि मैंने इसकी दावत करी है। इसे धो लेती हूँ, कौवा सरक सरक के मेरे पास ही आ रहा है। पता चला चौच मैंने बोटी उड़ा के ले जाए। चिकन धो दिया है, इतनी देर से चिकन धो रही हूँ। अच्छू को बैठ के धो रही थी, खड़े को धोती ना कमर टूट जाती मेरी। और देखते हैं बनाती क्या हूँ, सोच तो कुछ और रही हूँ, बनाना कुछ और है। अब देखते हैं क्या निकल के आता है इस चिकन से। चलो पहले तो चिकन धो के रख दिया है, अब जो बनाना होगा वो बन जाएगा। बाहर से धो देती हूँ। असल में मैं आज ना चिकन अफगानी बनाने वाली थी। वो चिकन आता ना ग्रीन कलर का, चिकन आता है क्या, चिकन बनाते हैं ग्रीन कलर का, ग्रीन मसाले से। तो मेरे घर में तो थानी मतलब उसमें धनिया हरी मिर्ची पुदीना डलता है। तभी मैं आपसे कह रही थी कि देखते क्या बनाती हूँ, सोच कुछ और रही हूँ, बन कुछ और जाएगा। जब सामान नहीं होता है तो फिर लास्ट टाइम पे ऐसा होता है कि प्लान चेंज करना पड़ता है। तो खैर कोई नहीं, धनिया भी भेज दिया अम्मी ने, हरी मिर्च भी भेज दी, पुदीना भी भेज दिया। अब मैं ना कुलचों का आटा गूंधने आ रही हूँ, कुलचे बनाऊंगी साथ में। तो देखती हूँ कैसे, बताती हूँ कैसे आटा गूंधती हूँ कुलचों का। ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, चिकन भी ये वाला फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, कुलचे भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। देखते हैं अल्लाह मालिक है कैसा बनता है। कुलचे बनाने के लिए फ्रेंड मैंने तो मैदा लिया है, मैदा भी लिया है, थोड़ा सा गेहूं का आटा भी डाला है, इसके अंदर नमक डाला है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल जाएगा, दही डालूंगी इसमें से, एक पैकेट दही डाल दूंगी। ये छोटा सा डब्बा है, ज़रूरत होगी तो और डाल दूंगी। और इसको मैं दूध से गूंदूंगी, ये रहा दूध, जब पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो इसको मैं दूध डाल के गूंदूंगी। चलो आटा गूंदते हैं। चिकन बनाने के लिए मैंने जो मसाला तैयार करा है ना वो आपको दिखाती हूँ फ्रेंड। ठीक है, 10 मिर्चें लिए मैंने, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। इसमें हरी मिर्च ज़्यादा डलती है क्योंकि हरा ही बनता है। एक मुट्ठी हरा धनिया लिया है मैंने, एक मुट्ठी इसके अंदर मैंने फ्रेश पुदीना लिया है, 1 इंच ये थोड़ा ज़्यादा अदरक लिए मैंने, और 2 गांठ ऐसी मीडियम की प्याज लिए मैंने। और मेरा चिकन जो है वो 1 किलो के आसपास है, और इसके अंदर भी मैंने लहसुन की 10-12 कली डाल देंगे। अभी इन सब चीज़ों को मैं मिक्सर जार में पीस के एक फाइन मतलब एक बारीक पेस्ट बना लेना है। उसके बाद का फिर मैं आगे प्रोसीजर दिखाती हूँ, पहले मैं इन सबको पीस के एकदम तैयार कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। यह सारा हरा मसाला पिस गया था, एकदम बारीक पेस्ट करना है फ्रेंड। और वो आपको धुलुआ चिकन है ना, उसका पानी नहीं होना चाहिए चिकन के अंदर ज़रा भी, वो डाल देना है। उसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल देना फ्रेंड, और इसके अंदर आपको चाट मसाला भी जाएगा, काली मिर्च भी डाली थी मैंने इसके अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मोबाइल को पकड़ के चीज़ें डालती हूँ तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो मोबाइल बंद करके डाल देती हूँ। और एक नींबू जाएगा, ये मेथी ना मैंने सुखा के रखी थी ढक्कन के ऊपर, तो ये मेथी भी जाएगी। इससे भी ना फ्रेंड बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एकदम रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आता है। बाकी में फ्रेंड बहुत अच्छा बनाता है, क्योंकि मैं तो ये खाकर वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, तो मुझे पता है कि बाकी में जो मेरी मेहनत लगी है, जितनी देर 2 घंटा मैं खड़ी रही किचन में, तो मेरी मेहनत वसूल हो गई। माशाल्लाह से ये बहुत अच्छा बनाया। और लेकिन बस आप भी बनाना, पहली बार कोई चीज़ बनाना फ्रेंड तो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, अरे ये डालो वो डालो, लेकिन जब एक बार बना लो फिर दोबारा बनाओगे ना, तो फिर वो चीज़ इतनी मुश्किल नहीं लगती है। खैर कोई नहीं, तो ये मैंने इसके अंदर ये भी डाल दिया है, एक नींबू भी जाएगा इसके अंदर, नींबू भी डालना है आपको। और सबको हाथ से अच्छे से मिला देना, एक एक चिकन की बोटी के अंदर ये हरा मसाला, ग्रीन मसाला जो पुदीना मिर्ची का हरा धनिया का मसाला है, ये जाना चाहिए, क्योंकि टेस्ट तो इस मसाले के अंदर ही है। और ये देखो मैं इतने अच्छे से मिला रही हूँ, मैंने 1 घंटा इसको ना ढक के रखा था, क्योंकि चिकन को ना मैरिनेट में बोल ही नहीं पा रही हूँ इस वर्ड को, पता नहीं फ्रेंड क्यों। इसको मिला के आप जितनी देर रखोगे ना उतना ही टेस्ट इसका चिकन का आपको उभर के आएगा मतलब। तो बस ये सारा मसाला इसके अंदर चला गया, इसके अंदर मैंने आधा कटोरी करीब ना मलाई भी डाली है फ्रेंड, मलाई को दूध की मलाई होती है वो फैट के, वो भी डाली। इसके अंदर दही भी जाएगा, दही को मैंने इसी में फैट लिया है।
ये छोटे छोटे डब्बे हैं इसलिए मैं दो डाल देंगी, मतलब 100 ग्राम भी आप डाल सकते हो, 100-150 ग्राम के आसपास। और एक क्रीम का डब्बा आता है ना, अमूल क्रीम, फ्रेश क्रीम आता है, इसके अंदर वो भी जाएगा। इसको फिर अच्छे से मिला लेंगे। क्रीम भी मैंने मंगाई है, जब तक ये सारे मसाले मैं पीस के रख दे, मिला के रख देती हूँ। आपके पास अगर क्रीम पहले से ही मौजूद हो तो वो भी डाल के रख देना इसके अंदर। हरे कड़ा और हरा चिकन, नमक वमक तो फ्रेंड व रोज़ा खुलने के बाद ही टेस्ट करेंगे, फिलहाल तो ऐसे ही बना लेते हैं। तो आया नहीं है, मुझे ही नीचे जाना पड़ेगा, और 5:15 हो गए हैं। पता नहीं मैं बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी सहरी अफ्तारी तक। अरे बाबा तुम ही तो दिखते हो शाम के टाइम एक काले बादलों में सितारों की तरह। तुम्हारा इंतजार करते हैं हम। ला नींबू दिखा दो कैसे हैं। ला हालत खराब हो रही है आज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अभी नींबू भी लेके आ गई हूँ, अब चिकन में नींबू डाल देती हूँ। क्या टाइम हो गया, 5:30 बज गए। चलो पहले नींबू काट के डाल देती हूँ। अमूल की जो फ्रेश क्रीम आती है ना वो तो है नहीं है, तो उसके बदले हम क्या करेंगे, जो दूध होता है ना दूध के ऊपर से जो ऊपर मलाई होती है उसको निकाल के फैट के वो डाल देंगे। मलाई तो है पर बहुत गर्म सी हो रही है, तो उसको मैं थोड़ा सा निकाल देती हूँ कटोरी में, फिर इसको फैट के ये डाल देंगे। क्या करेंगे जब नहीं है तो। चलो उसको मैंने सेट करके रख दिया है, थोड़ी देर में उसको फ्राई करेंगे, जो भी प्रोसीजर होगा वो करेंगे। लेकिन फिलहाल उससे पहले ना मैदा आटा गूंथ देते हैं कुलचों के लिए। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा है कि मैं ना अफ्तारी तक ये चीज़ें बना पाऊँगी, कुलचे और अफगानी सालन। देखेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, शरबत पी लेंगे, खजूर खा लेंगे और नमाज के बाद खा लेंगे। लेकिन चलो जितना काम हो सकता उतना करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। फिलहाल तो ये आटा ये ना इसके अंदर दही डालिए और थोड़ा सा बेकिंग सोडा आता है ना खाने वाला सोडा वो डाला है और दूध से इसको गूंथेंगे। चलो बहुत कोशिश कर ली फ्रेंड मैंने, फिर भी मैं कुछ भी नहीं बना पाई, सिर्फ तैयारी कर पाई हूँ। चिकन को मैरिनेट करके रख दिया, आटे को गूंथ के रख दिया, कुलचे वुलचे का सब तैयारी कर दी मैंने, बर्तन मांज दी, लेकिन अफ्तारी के लिए कुछ नहीं बना पाई। खैर कोई नहीं, हो जाता है, देखो अकेला हाथ है, अकेली करने वाली हूँ, बाजार से भी लाना पड़ता है, बाहर का देखो घर का देखो, और अभी पढ़ाई भी चल रही है थोड़ी सी ज़्यादा, तो बस थोड़ा सा नहीं हो पाता है कभी कभी। खैर कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है, शरबत बना लेती हूँ, खजूर घर में है तो बस उसे खा के रोज़ा खोल लूँगी, और रोज़ा खोलने के बाद फिर सुकून से अपने आराम से बना लूँगी। खैर कोई नहीं, जो भी है अल्लाह का शुक्र है, हो जाता है ऐसा। पानी गंदा लग रहा है इसलिए मैंने सोचा था खाना ही जब मैं ऐसा बना रही हूँ तो फिर मैं फ्राई भी क्या बनाऊँ। हाँ साथ आया अभी जी, आए वालेकुम सलाम। मम्मा की तो इतनी सी हेल्प आपको करनी नहीं है, रोज़े अफ्तार का टाइम हुआ था आप बराबर आके बैठ जाते हो, कभी पूछ लिया करो मम्मा बाहर से कुछ मंगाना आया कुछ हेल्प कर दूँ। हाँ तो क्या करना है, अब क्या फ़ायदा क्या करना, अब तो खाली में शरबत ही बना रही हूँ अकेले हाथ से। बेटा हो जाता है प्रॉब्लम कभी, लेकिन आप एक सामान नहीं लाते हो मम्मा के लिए, बैठते नहीं हो, पूछ लूँ मम्मा से मम्मा को कुछ चाहिए नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं लाना, तो क्या फ़ायदा, तो खाली शरबत बना रही हूँ। ठीक है भैया, रोज़ा तो खुल गया, आज तो शरबत भी नहीं पिया गया, शरबत भी बच गया मेरा, और अब मैं लग जाती हूँ भैया काम में। साथ कह रहा था मम्मा खाने में क्या है, अफ्तारी में क्या है, मैं कि कुछ नहीं है, साथ शरबत है। सबसे पहले सालन बनाने रख देती हूँ, फिर बाद में कुलचे बना लूंगी। चीजें जितनी दिखती है ना आसान, ये ऐसे बना लो ऐसे बना लो 10 मिनट में ये बन जाता है, उतनी ज्यादा मुश्किल होती है चीजें बनाना, लगता आसान है। अब क्या बना रहे हो आज? मैं बना रही हूँ अफगानी चिकन उबली चिकन। ये तो ग्रीन है। हाँ अफगानी चिकन ग्रीन होता ना। जब हम पहली बार कोई चीज बनाते हैं ना फ्रेंड, कोई भी चीज बनाते हैं, चाहे कोई खाना बनाते हैं हम, जो हमने आज से पहले कभी ना बनाया हो, तो हमेशा पहली चीज़ पहला एक दो रोटी बिगड़ेगी, घबराना नहीं है, पहली बार हर चीज़ बिगड़ती है, उसके बाद ही इंसान परफेक्ट बनाता है। मैंने पहला कुलचा बनाया तो मेरे से इतना अच्छा नहीं बना, टेस्ट में अच्छा है
लेकिन अंदाजा नहीं होता है। लेकिन जब दूसरा कुलचा बनाया तो देखिए परफेक्ट बनाया। तो इसलिए हमेशा पहली चीज़ जो होती है थोड़ी सी ख़राब बन जाती है, लेकिन घबराना नहीं है, दूसरी बार मेहनत करो, तीसरी बार मेहनत करो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी और आपके चेहरे पर भी बहुत मस्त प्यारी सी स्माइल आएगी जो मेरे चेहरे पर आ जाएगी। एक कुलचा थोड़ा सा बिगड़ा, अंदाज़ा नहीं था कि नमक का पानी डाल दें, घी डाल दें, कितना डाल दें, कैसे, तो चीज़ें आ जाती हैं। तो माशाल्लाह कुलचा कितना अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर मैंने धनिया की पत्ती और थोड़ी सी कलौंजी भी डाली है जिससे कि एकदम रेस्टोरेंट वाला स्टाइल आने लगे। तो बस मेहनत करते करने वालों को यही पहचान होती है, इंसान को घबराना नहीं चाहिए कि चलो हमको अब जीत नहीं मिल रही है, हमको कोई पसंद नहीं कर रहा है, हमको कोई हमारा काम नहीं चल रहा है, चलेगा, सब कुछ ठीक होगा, थोड़ा सा बस लगे रहो, हार मत मानो। कोई भी चीज़ हो, शुरू में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता फ्रेंड, गलतियों से इंसान सीखता है ना, वही इंसान बेहतर सीखता है। और यहाँ पे मेरा चिकन भी फ्राई हो रहा है जैसा मुझे चाहिए, ऐसा स्पॉट आना चाहिए देखो, हल्का सा जैसे कि तंदूरी होता है ना, ये अल्लाह, हाँ जैसे कि तंदूरी स्पॉट जो जगह जगह जला जला सा लगता है वैसा आना चाहिए सीखने में। चलो मैं अपना काम करती हूँ। क्या हो गया, तो गिर क्यों गया तू खाना खाते में, खाना खाते में गिर क्यों गया, अरे क्या हो रहा है, जितना देर कौन सा नया तरीका खाना खाने का, नीचे ही खिड़की खुली है तेरी नहीं करके, नहीं बता बता बता, तो जो अच्छा है खाना तो जितना कौन सा तरीका बताने का है, दिल गार्डन गार्डन हो गया। ये फ्रेंड चिकन अफगानी दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, ये रहा कुलचा, खा ले मानी रही आई मेरी खाने की बारी, ये प्लेट इसलिए गंदी हो रही है, सादरे सी में खाया था, और ये प्याज है मैं खा के बताऊंगी कैसे बने, सादरे तो पास कर दिया भाई, बहुत ज्यादा भी बनाओ ना बहुत थोड़ा सी हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर ना सालन नहीं होता, सुरुआ नहीं कर सकते ना, ये तो सूखा सूखा बनता है। सच्ची बता रही हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, अगर आप इसे किसी को बना के खिलाओ, पहले से बना दो किसी मेहमान आने से पहले, वो अंदाजा नहीं लगा पाएगा ये घर पे बना है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला स्टाइल आ रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट में। इसको मैंने मक्खन में बनाया है फ्रेंड, ऐसा लग रहा है कि रेस्टोरेंट का कोई कोई बता ही नहीं पाएगा जब तक आप खुद ही बताओगे आपने बनाया है। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन दिल खुश हो गया, ऐसा मस्त है। गए ना खाना वाना सब हो गया है, अब ना बिस्तर याद आ रहा है फ्रेंड मुझे, सुबह से जो कल रात में भी पता है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, पूरी रात में जागी हूँ, अब मुझे ऐसा लग रहा है मैं जल्दी से आके पलंग पे लेट जाऊँ और थोड़ा सा मोबाइल वगैरह का जो काम है वो कर लूँ, पर लेटने को नसीब ही कहाँ होता है, साथ आ गया मम्मा भूख लग गई कुछ और दे दो खाने को, मतलब खाना खा लिया उसने, तो अब मैं सोच रही हूँ उसको ना दूध दे दूँ चॉकलेट वाला, दूध पी लेगा। और हाँ अगर आपको मेरा ब्लॉग ये चैनल आपको अच्छा लगा हो और जो मैंने सालन बनाया है आप भी ट्राई करना, अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करना मेरे चैनल को। देखो मैं बात करती जा रही हूँ, दूर डालने के लिए चॉकलेट की जगह ये निकाल रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शायना खान डेली ब्लॉग, ऐसी आपके सब प्यारे प्यारे सब्सक्राइब करी ब्लॉग शेयर करती रहूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अच्छी बता रही हूँ माइंड ना बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, देखो मेरी जुबान भी कुछ बोलती है कुछ मैं सोच रही होती हूँ, इतना सारा काम रहता है ना, अकेली रहती हूँ ना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा कभी कभी ना वजन पड़ जाता है, रोना भी आता है कि नहीं हो पा रहा है, कभी कभी ऐसा लगता है यार क्या करूँ कैसे, जब बाहर का काम होता है घर का भी होता है तो बस थोड़ा सा ना फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, हो नहीं रहा है, ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं नहीं कर पा रही हूँ नहीं कर पा रही हूँ, फिर हिम्मत लेती हूँ फिर साथ तो नहीं यार करना है तो करना तो है, हंस के करना है चाहे रो के करना है, काम तो करना ही है फ्रेंड, तो बस थोड़ा थोड़ा हो जाता है कभी कभी, परेशान हो जाती हूँ, खैर कोई नहीं चलो
दिन था आज का कट गया थोड़ा सा। कोई कोई दिन आराम वाला होता है तो कोई कोई दिन ज़्यादा काम वाला भी होता है, उसको भी हैंडल करना पड़ता है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा हो, प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना लोगों को, जो आपके अड़ोसी पड़ोसी हों, जो देखते हों उनको लाइक, उनको संग शेयर करना मेरा वीडियो और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड। बहुत मेहनत लगती है और ख़ासकर रमज़ानों में कैसा रहता है कि भाग दौड़ भी रहती है, उस बीच मुझे अपना ब्लॉग भी निकालना है, एडिटिंग करना है, अभी कुरान पढ़नी है, मुझे बहुत सारे काम रहते हैं। लेकिन उस बीच भी मैं कोशिश करती रहती हूँ ये कि नहीं मैं आपके संग अपना वीडियो अपना चैनल शेयर करूँ, मैं ऐसा ना हो कि मैं अपना चैनल ना ब्लॉग ना बना पाऊँ। देखो अभी भी कुछ बोल रही हूँ, कुछ निकल रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा मैं अंदर से इतनी ज़्यादा थक गई हूँ ना कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ मैं कितना थक गई हूँ। चलो कोई नहीं, दिन था गुजर गया, अब बस आपको दूध देके जब जाके लेट जाऊँगी मैं, क्योंकि साथ का ना लेट लेटते काम बताता ही रहता है। तो बस लेटती हूँ जाके, और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।